सिंध हुकूमत ने कराची में स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए शाहीन फोर्स फाल करने का फैसला कर लिया। साथ ही आज सिंध की सूबाई एथिक्स कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया। सूबे में अमनो अमान की सूरतहाल से मुतालिक इजलास में सदर ममलकत को ब्रीफिंग देते हुए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया कि मददगार 15 को बेहतर बनाकर पुलिस को 168 गाड़ियां और 120 मोटरसाइकिलें दी गई हैं। डीजी रेंजर्स सिंध ने सदर को बताया कि 4 माह में कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम में 49 अफराद जान से जा चुके हैं। कच्चे की सूरतहाल पर ब्रीफिंग देते हुए आईजी सिंध ने कहा कि 4 माह में पुलिस ने कच्चे के 63 डाकुओं को हलाक जबकि 418 को गिरफ्तार किया। पुलिस की कार्रवाइयों में 609 शहरियों को अगवा होने से बचाया, 103 को बाजियाब कराया और 20 की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। अपनी ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि कच्चे में मुख्तलिफ ऑपरेशनों के दौरान 17 पुलिस एहलकार शहीद और 27 जवान जख्मी हुए। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने किसी भी सूरत गजा में जंग बंदी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात में उन्होंने कहा कि कोई ऐसा मुआहदा तस्लीम नहीं जिसमें जंग का खात्मा शामिल हो। इसराइली वजीर आजम का कहना था कि हमास ने जंग खत्म करने पर इसरार किया तो मुआहदा नहीं होगा और रफा पर चढ़ाई कर देंगे। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सरबरा ने खबरदार किया है कि लाखों बेघर फलस्तीनियों की पनाह गरफा में इसराइली ऑपरेशन गजा की बर्बादी में नाकाबिल बर्दाश्त इजाफा होगा। इसराइली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी जारी है जिससे मजीद 33 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए हैं। इसराइली इंतहा पसंदों ने गजा आने वाले इमदादी काफिले पर हमला करके हजारों टन इमदाद जाये कर दी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची में गवर्नर सिंध कामरान खान तिसौरी से मुलाकात की। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसौरी और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी ने 10,000 कुल्लियों और मजदूरों में राशन तकसीम किया। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान तिसौरी ने कहा कि यौम मई पर मजदूरों को राशन बांट कर अपना फर्ज निभाया है। उन्होंने कहा कि मजदूरों की फलाह के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे, मजदूरों के लिए भी जल्द इमदादी पैकेज का ऐलान करेंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने सिंध के अवाम को सिंध रोड ट्रांसपोर्ट की नई बसों के कराची पहुंचने की खुशखबरी सुना दी है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि बसों की नई खेप कराची पोर्ट पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध की तवज्जो अवामी खिदमत और सूबे के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने पर है। इन बसों के आने से महकमा ट्रांसपोर्ट बहुत जल्द नए रूट शुरू करेगा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें।